हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपकी सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा के लिए, क्योंकि आप सब ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त किए गए मॉडल पेपर को देख लिया होगा और उसमें ये भी देखा होगा कि करंट के कैसे क्वेश्चन वहाँ पर उन्होंने पूछे हैं और सामान्य ज्ञान के कैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर हम आपको देंगे ज़रूरी नोट्स और साथ ही पूरी जानकारी, पूरे लेक्चर्स, आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पोखरण में अणु विस्फोट कब हुआ था? तो सही जवाब है 18 मई 1974। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डूरंड रेखा किन देशों के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखा है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और चीन और हिंदुस्तान के बीच मैकमोहन है। कौन सा राजमार्ग दिल्ली एवं लखनऊ को जोड़ता है? ये इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, NH-24। किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है? क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह के एवज में किया गया था, तो कांडला बंदरगाह है। केंद्रीय सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना था कब प्रारंभ की गई? 16 दिसंबर 2005 को। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। ब्राज़ील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो डिमिला रोजेफ को। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं? डिबगिंग। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर को। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? एमीबा, और जिसे आप अमीबा कहते हैं। हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? गठिया। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाले प्रदूषक का नाम क्या है? सीमा। मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? बांग्लादेश। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैंगनी कलर। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों, कोयले की खानों में मीथेन गैस द्वारा विस्फोट किया जाता है। और भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड किसे मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र से ख्याति प्राप्त हैं, कितने व्यक्तियों को नामन कर सकते हैं? तो 12। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता? प्राक्कलन समिति। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति कौन था? बुतरोस गाली। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए, जब उन पर लाठीचार्ज हुआ? साइमन कमीशन। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल राजाओं ने। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? संयुक्त राज्य। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? तो लोगों की संख्या से जनसंख्या घनत्व की माप होती है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है? सोडियम। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? रेडोन। और वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राज़ील। 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टरों की भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ था, वे किस जगह थे? फुकुशिमा में। तो ये था 30 ऐसे करंट जीके जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हम अगले पार्ट में आपको 31 से शुरू करेंगे। तो थैंक यू। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।